मनोहर लाल जी 10वें मुख्यमंत्री थे और भाई मुझे 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। जितना अच्छा, जितना शरीफ, जितना हसमुख और जितना मिलनसार ये मुख्यमंत्री है, मन से मैं कहने में संकोच नहीं करते, मीडिया भी खड़ा है, भाई इससे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश कायम श्रेणी, कायम श्रेणी, इससे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा प्रदेश को नहीं मिला। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस दिन नायब श्रेणी ने शपथ ली अगले दिन लोकसभा की आचार संहिता लग गई। आचार संहिता हटी 56 दिन बाद फिर विधानसभा की आचार संहिता लग गई। काम करने का अवसर ही कितना मिला उन 56 दिन में। आदमी अपनी काबिलियत, अपनी सहनशीलता, अपनी हसमुखता, अपनी विवेकशीलता इतनी लोगों को दिखाई इस हरियाणा में, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो मेरे साथ मजीद रहे हैं। 3.5-4 साल मेरे साथ मिनिस्टर रहे, फिर वो 19 में एमपी बन गए, तो उसने मेरे साथ काम किया है और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि उससे अच्छा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिला। आने वाले समय में भाजपा ने घोषणा की है कि आज सरकार बनेगी, नायब सैन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी सरकार चलेगी। और इन 56 दिनों में लोग इधर उधर देखते हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो योजनाएं लागू की वो हम लोगों ने देखी नहीं है। इतने विकास के काम, इतनी योजनाएं लागू की हैं कि जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लागू कर दी ना, वो तो सारा भाई नायब सैनी इन 56 दिनों में लागू कर चुका। तो मेरा आपसे निवेदन और एक निवेदन और कि वह राजनीति रूप में जब हम पर्चा भरने जाते हैं, हम जलसा जलूस करते हैं, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हैं, इस बार हमने कोई भीड़ नहीं करी, कोई जलसा नहीं किया, कोई जलूस नहीं किया, 5 आदमी गए नॉमिनेशन भर के आ गए। लेकिन राजनीति में राजनीतिक ताकत दिखाना जरूरी होता है, इसलिए चुनाव से पहले 1 हफ्ता 7-6 दिन पहले एक जनसभा करेंगे, उसमें देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसमें आएंगे। मैं आप लोगों को निमंत्रण भी देता हूं, टाइम जगह डेट सब आपको पता लग जाएगी। कई दिन पहले हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ राजनीतिक ताकत पाने के लिए राजनीतिक शक्ति भी दिखानी पड़ती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली जो तारीख आएगी उसमें आप ज्यादा से ज्यादा उस संख्या में आए। और भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो उम्मीद आप नरवीर सिंह से लगाएंगे उससे भी ज्यादा काम मैं गुड़गांव जिले में करूंगा। जय हिंद, राम राम।